गोड्डा में जाति जनगणना रिपोर्ट में अनियमितता पाए जाने के कारण चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बिहारी चोर प्रखंड के कुसुम घाटी पंचायत में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने गलत तौर पर जाति बहुलता जनगणना की रिपोर्ट गलत दर्शाने की वजह से चयन प्रक्रिया स्थगित की गई। दक्षिणी आंगनवाड़ी केंद्र में ये तीसरा बार चयन प्रक्रिया होने जा रहा था, तो यहाँ के ओबीसी कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया। जब ओबीसी का बाहुल्य क्षेत्र है, ओबीसी का ही सेविका का चयन होना चाहिए सरकार के नियमानुसार, लेकिन यहाँ था कि एसटी का चुनाव करना था, इसीलिए अब यहाँ हंगामा हुआ कर दिया गया, जिसके मैंने यहाँ ओबीसी की बाहुलता अधिक होने और बार बार गलत दर्शाने के कारण जनसंख्या को फिर से यहाँ निरस्त कर दिया। खेल की दुनिया में झारखंड ने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य की तीन बेटियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। इनमें खूंटी के निकी प्रधान, सिमडेगा की सलीमा टेटे और यहीं की संगीता कुमारी शामिल है। भारतीय टीम FIH की प्रो हॉकी लीग में खेलेंगी, जिसके लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा हॉकी इंडिया ने सोमवार को की। बता दें कि संगीता का चयन पहली बार सीनियर राष्ट्रीय टीम में हुआ है। सलीमा और निकी प्रधान पहले से भारतीय टीम में खेलती आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सच है तो दिखेगा।